नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से संपत्ति संबंधी अपराधों में बरामदगी बढ़ाने के लिए आंकड़ों का खेल पुलिस विभाग द्वारा खेला जाता है। पीड़ितों को संपत्ति वापस दिलाने के नाम पर किस तरह से जिला और संभाग की जो पुलिस है वो झूठे आंकड़े प्रस्तुत करती है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि पीड़ित जहां अपनी लाखों की संपत्ति गंवा देता है, वहीं पुलिस इस आंकड़ेबाजी में कैसे उलझाकर अपनी वाहवाही भी लूट लेती है और माल की बरामदगी भी दिखा देती है। दरअसल चोरी, लूट और डकैती जैसे अपराधों के बाद पीड़ित परिवारों को बदमाशों से संपत्ति वापस दिलाने के नाम पर 10 माह में जो आंकड़े रीवा संभाग के चारों जिलों की पुलिस ने पेश किया है वो चौंकाने वाला है और उसकी सच्चाई भी कुछ अलग है। लेकिन आज हम आपको बता दे रहे हैं कि इस खबर के माध्यम से हम आपको ये स्पष्ट कर देंगे कि किस तरह से आप अगर ये मान बैठे हैं कि आपके घर में चोरी या आपके साथ किसी तरह की लूट या डकैती की वारदात हो जाती है और आप पुलिस थानों में पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराते हैं तो आपको आपका माल सही सलामत वापस नहीं मिलने वाला है। उसके पीछे क्या कारण है, सारे कारण हम आपको इस खबर के माध्यम से स्पष्ट कर तथ्यों के साथ बताएंगे। आपको बता दें कि 10 माह का जो लेखा जोखा सामने आया है, एडीजी ने अपराधों की समीक्षा कर माल बरामदगी का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब वो प्रतिशत कैसे बढ़ेगा, इसकी सच्चाई हम आपको सुनाते हैं। आपको बता दें कि संभाग के चारों जिलों में लूट, चोरी व नकबजनी सहित बड़ी संख्या में संपत्ति संबंधी अपराध घटित हुए हैं, जिनके मामले भी संबंधित थानों में दर्ज हैं। 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक रीवा जिले में 1480, सतना में 499, सीधी में 262 व सिंगरौली में 194 संपत्ति संबंधी घटनाएं घटित हुई हैं। ये आंकड़े पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चोरियां शामिल हैं। इन घटनाओं में आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने बदमाशों के हाथों से संपत्ति वापस कर पीड़ितों तक पहुंचाई है। ये हम नहीं कह रहे, ये पुलिस विभाग का दावा है। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन सिंगरौली जिले का रहा है। सिंगरौली ने अपने यहां हुए अपराधों में चोरी हुई कुल संपत्तियों का 75% माल बरामद किया है, जो पीड़ितों तक वापस सकुशल तरीके से पहुंचाया जा चुका है। वहीं दूसरे नंबर पर सतना ने संपत्ति अपराधों में बेहतरीन काम करते हुए 60% संपत्ति वापस दिलाने का आंकड़ा पेश किया है। रीवा जिले में इस वर्ष संपत्ति संबंधी अपराधों में बड़ी संख्या में आरोपियों को पकड़कर संपत्ति बरामद करने का दावा किया है। अब आपको यह बता दें कि चोरों की एक गैंग से 80 चोरी और दूसरी गैंग से 50 चोरियों का भी पुलिस खुलासा कर चुकी है, जिनसे भारी मात्रा में माल बरामद करने का दावा किया गया है। पुलिस ने जो संपत्ति वापस दिलाने का आंकड़ा प्रस्तुत किया है उसमें सीधी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है और 50% संपत्ति बरामद करने का आंकड़ा पेश किया गया है। हालांकि इन आंकड़ों के बाद भी एडीजी ने सभी जिलों में संपत्ति संबंधी अपराधों में शामिल बदमाशों की धरपकड़ और माल बरामद करने का जो प्रतिशत है उसे एक बार फिर से बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं, और निर्देश जारी होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस विभाग आंकड़ों का खेल खेलती है। दरअसल अगर किसी के साथ चोरी लूट की घटना घटित हो जाती है, बदमाश सोने चांदी के जेवर ले जाते हैं, तो पुलिस कभी भी सोने या चांदी के वास्तविक मूल्य की FIR नहीं दर्ज करती। यानी कि जितने का सोना चांदी रहा होगा उससे मुश्किल से मुश्किल 10-20% कीमत की ही FIR पुलिस दर्ज करती है। पुलिस इस्तेमाली सोने चांदी की जेवर चोरी होने की बात लिखती है। वहीं आपको बता दें कि अगर आपके घर से 10 तोला सोना चोरी हुआ उसकी कीमत भी पुलिस इस्तेमाली गहने बताकर 10-20 हजार दर्ज करती है, जबकि आज की डेट में 10 तोला सोना 5 लाख रुपए की कीमत का होगा। इतना ही नहीं, अगर आपके घर से 1 लाख से अधिक नगद और सोने चांदी के जेवर एवं अन्य वस्तुएं भी चोरी हो जाएं, लेकिन पुलिस की नजर में ये चोरी मात्र 90 हजार या 90 हजार से कम होगी। अगर आपकी नई मोटरसाइकिल चोरी हो जाए और आप रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं तो पुलिस महज उसकी कीमत 10-25 हजार रुपए के बीच आंकते हुए FIR दर्ज करेगी। अगर यही मोटरसाइकिल पुलिस बरामद कर लेती है तो इसकी कीमत 80 से 90 हजार या लाख के करीब भी पहुंच जाती है। यानी 10% चोरी दिखाकर 90% पुलिस बरामदगी दिखाती है। वहीं अगर बात करें कि आपका एंड्रॉइड फोन या आईफोन चोरी हो जाए तो उसकी कीमत 10-20 हजार होगी। वहीं मोबाइल पुलिस बरामद करती है तो उसकी कीमत 40-50 हजार भी दर्शा देती है। वहीं जिले में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई हैं जहां पुलिस ने माल बरामद किया और लोगों ने आरोप लगा दिया कि उनका सामान चोरी हुआ था 3 तोले का, लेकिन पुलिस ने 25 ग्राम का लौटाया। यही होते हैं पुलिस के आंकड़ेबाजी के खेल। पुलिस अक्सर कह देती है कि चोरी हुआ सामान गला दिया गया था, गलाने के बाद बरामद हुआ, वो कितनी मात्रा में बरामद हुआ मात्रा नहीं बताई।
बताई जाती, जो चेन वापस किया गया, अंगूठी वापस की गई, उनकी वैल्यू और वजन क्या है यह कभी नहीं बताया जाता। कुल मिलाकर जो 10 महीने का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़ेबाजी का खेल है, जिससे संभाग के लोगों को यह लगे कि पुलिस बहुत मुस्तैद है, किसी भी प्रकार की चोरी लूट की घटना हो जाने पर 70-75% तक सामान बरामद हो जाता है। लेकिन सच्चाई जानना है तो आप पूछिए उनसे जिनके घर चोरी की घटनाएं हुई हैं, जो पीड़ित हैं, और उन पीड़ितों को कितना माल बरामद होकर के पुलिस ने वापस लौटाया है, यह सच्चाई आप उन्हीं से जान सकते हैं। आपको बता दें कि रीवा संभाग के चारों जिलों में पुलिस चोरियों से परेशान रही है। सर्वाधिक चोरी की घटनाएं रीवा जिले के चारों संभागों में घटित हुई हैं। संपत्ति संबंधी घटनाओं में सबसे ज्यादा चोरियां रीवा जिले में होती हैं। आपको बता दें कि रीवा जिले में विगत 10 माह में 479 चोरियां दर्ज की गई हैं, सतना में 125 से लेकर के 134 के बीच, जबकि सिंगरौली जिले में 69 घटनाएं चोरी की घटित हुई हैं। इन चोरियों में सबसे ज्यादा संपत्ति को बदमाशों ने निशाना बनाया है। सेंधमारी से लेकर अन्य वारदातों में संपत्ति बरामद करने में सिंगरौली जिला पुलिस ने आंकड़ेबाजी में सबसे अच्छा खेल कर डाला है, जिसके द्वारा 66% संपत्ति बरामद करने का दावा पेश किया गया है। इसलिए आप सबसे हमारी अपील है कि आप अपने संपत्ति की सुरक्षा स्वयं करें, सतर्क रहें, इस आशा में बिल्कुल ना रहें कि पुलिस ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके मिलते जुलते आपके साथ अगर कोई घटना होती है तो वो माल बरामद हो जाएगा। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।